दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गूगल पे एप्लीकेशन को 2022 में यूज़ कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप गूगल पे एप्लीकेशन के द्वारा पेमेंट कैसे कर सकते हैं, गूगल ऐप पे एप्लीकेशन से पैसे कैसे रिसीव कर सकते हैं एंड गूगल पे एप्लीकेशन से मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, डीटीएच रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको A to Z जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आपको जानना है तो वीडियो के साथ बने रहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको गूगल पे एप्लीकेशन को इस तरह से ओपन करनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने फिंगरप्रिंट लॉक लगा के रखा हुआ होगा तो आपको अपना फिंगर स्कैन करना है और कुछ इस तरह से आपका जो गूगल पे एप्लीकेशन है यानी कि GPay एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि आपको पेमेंट कहाँ से कर सकते हैं एंड मोबाइल रिचार्ज कहाँ से कर सकते हैं वगैरह वगैरह, मैं सारा आपको डिटेल बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं स्कैन QR कोड, आप यहाँ पे दोस्तों इस पर क्लिक करके आप किसी को अगर QR कोड को स्कैन करके पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है पे कॉन्टैक्ट्स, अगर आप मोबाइल नंबर पे पैसा भेजना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है पे फोन नंबर, जी हाँ, तो यहाँ पे देखते हैं आप किसी का भी फोन नंबर डाल के यहाँ से पैसा भेज सकते हैं। एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास आ चुका है बैंक ट्रांसफर, आप डायरेक्टली किसी के बैंक ट्रांसफर में भी यहाँ जो है बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पांचवा ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे पे टू UPI ID, यानी कि आप किसी के UPI ID में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो यहाँ से पांचवा ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड छठा ऑप्शन हमारे पास आ चुका है सेल्फ ट्रांसफर। अब दोस्तों अगर आप अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप सेल्फ ट्रांसफर पर क्लिक करके आप इस ऑप्शन को यूज़ करके आप अपने दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारे सामने आ चुका है पे बिल्स, अगर आप कोई भी चीज़ का बिल पे पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। एंड जो सब हमारा जो है लास्ट ऑप्शन हो रह चुका है यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज, अगर आप मोबाइल रिचार्ज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं अगर पे बिल्स पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले मोबाइल रिचार्ज आप यहाँ पे कर सकते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं, DTH केबल TV रिचार्ज कर सकते हैं, फास्टैग रिचार्ज कर सकते हैं एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, सिलेंडर गैस बुकिंग कर सकते हैं, ब्रॉडबैंड यहाँ पे लैंडलाइन का जो है यहाँ पे बिल पेमेंट कर सकते हैं एंड पोस्ट पे जो है यहाँ पे मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे में आपको पीपल्स का ऑप्शन मिलता है, यानी कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट्स में सेव होंगे उन नंबर पर आप इस पर क्लिक करके डायरेक्टली आप यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ से भी आप बिल पेमेंट्स कर सकते हैं दोस्तों, रिचार्ज कर सकते हैं एंड इधर आपको और भी ऑप्शन, डोनेशन अगर आप कुछ करना चाहते हैं यहाँ से आप डोनेशन कर सकते हैं एंड यहाँ से आप गोल्ड बाय कर सकते हैं। अब आपको नीचे करना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रमोशंस का, इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आप यहाँ से जो है गूगल पे के द्वारा पैसे अर्न भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप रिवॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपको रिवॉर्ड मिला जाएगा दिया जाएगा वो सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में ऑफर्स है, आप ऑफर्स पे क्लिक करके आप ऑफर्स भी यहाँ से चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पे रेफरल्स पे क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपकी जो रेफरल से कितने लोगों ने यहाँ पे जो इसमें साइन अप किया हुआ है और आप रेफरल के द्वारा कितना रुपया यहाँ पे कमाए हुए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे जो है 101 रुपया करके 4 बार मिला हुआ है। तो इस तरह से आप गूगल पे के द्वारा अगर आप रेफर एंड अर्न करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप पैसा बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेफर से आपको 101 रुपया मिलने वाला है और यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट जब करेगा आपके फ्रेंड जो है साइन अप करके करेंगे तो उस टाइम पे आपको 101 रुपया मिल जाएगा। यहाँ से आपका जो यहाँ पे दोस्तों रेफरल कोड होगा वो दिख जाएगा। अब यहाँ पे ऊपर में आपको एक ऑप्शन मिलता है शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, अब आपने पैसा किसको किसको सेंड किया हुआ है या फिर आपको कहाँ कहाँ से पैसा आया हुआ है, अगर आपको उसको चेक करना है तो शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे क्लिक करना है एंड यहाँ से आप सारा अपना जो है हिस्ट्री उसको चेक कर सकते हैं। उसके बाद हमारे सामने आ चुका है व्यू बैलेंस, अकाउंट बैलेंस, तो इससे से आप चेक कर सकते हैं एंड रेगुलर पेमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप डायरेक्टली फिर उसी ऑप्शन पे पहुँच जाएंगे। दोस्तों ये होम स्क्रीन में था गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप अपने अकाउंट्स को कहाँ से देख सकते हैं एंड अगर आपको अकाउंट्स को जो है यहाँ से अनलिंक करना है या फिर लिंक करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ऊपर में आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी, आपका नंबर दिख जाएगा एंड आपका जो यहाँ पे UPI ID होगा वो भी दिख जाएगा। उसके बाद नीचे में आप ध्यान देते हैं यहाँ पे एक बैंक अकाउंट मेरे जो है गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर लिंक है, अगर आप कोई कार्ड को ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपने कार्ड को भी लिंक कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सेटिंग्स पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप इस एप्लीकेशन के अंदर लॉक लगा सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप साइन आउट करना चाहते हैं तो साइन आउट भी कर सकते हैं एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो दिख जाएगा। तो इस तरह से 2022 में आप गूगल पे एप्लीकेशन या फिर GPay एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं, इससे किसी के पास भी पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं
सकते हैं एंड आप पैसे रिसीव भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि गूगल पे एप्लीकेशन को आप 2022 में कैसे यूज़ कर सकते हैं एंड इससे पेमेंट कैसे कर सकते हैं, किसी से पेमेंट अगर आपको लेना हो तो आप पेमेंट कैसे ले सकते हैं। दोस्तों मैंने गूगल पे के ऊपर और भी वीडियोज़ बनाए हैं, जैसे कि आप गूगल पे एप्लीकेशन से पेमेंट किसी को कैसे कर सकते हैं, गूगल पे एप्लीकेशन से पैसे कैसे कमा सकते हैं एंड गूगल पे एप्लीकेशन के द्वारा मोबाइल रिचार्ज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको उन वीडियोज़ को देखना है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उन सभी वीडियोज़ का लिंक दे दूंगा, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। फिलहाल मैं इस वीडियो में बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुई। वीडियो को लाइक एंड इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर से प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड हेल्पफुल वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।